हेलो गाइस, सो टुडे दिस इज़ द फोर्थ क्लास ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ये सिर्फ डाउट्स क्लियरिंग सेशन के लिए है, बिकॉज मैंने मोस्ट ऑफ द जो स्टफ है वो कवर कर रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिनोमियल्स, तो हम पॉलिनोमियल्स के बारे में उसमें जानेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स पूछे थे, तो मैं वो डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अभी आपके स्कूल्स बंद हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। बिकॉज़ अगर आप क्लास 10th में हैं, तो आपके पास टाइम बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत कम बचेगा, बिकॉज़ छुट्टियां तो चलती रहेंगी और आपका सेशन स्टार्ट होगा जुलाई में, और आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो फेब के फेब में ही रहेंगे, वो एक्सटेंड होने वाले नहीं है। सो मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी से तैयारी करें और ये टाइम वेस्ट ना करें। तो उसी के लिए मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि आप घर में बैठकर सारी तैयारी कर सकें। और अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं इसको करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड लॉट ऑफ गाइज आस्क दिस क्वेश्चन। तो बहुत से बहुत मुश्किल सा सवाल नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे। सो ये कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट एस 51। निकालना क्या क्या है हमें, सॉरी पता क्या क्या है हमें, दिस सेकेंड टर्म दैट इज T2, दैट वी नो दैट दैट इज 14, और T18 आपको पता है वो है, नहीं T3 है, वो है आपके पास 18। ठीक है, सो T2 जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो TN का फॉर्मूला होता है वो होता है a+n-1 × d। बिल्कुल याद है आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे। अगर आपने सारे वीडियोस पीछे से पढ़े हैं, तो आप तक आपको आई एम श्योर कि आपको याद हो गया होगा, और अगर नहीं याद हुआ है तो प्लीज याद कर लें, बिकॉज बिना उसके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। करेक्ट, सो आई होप दैट यू विल जस्ट गेट दिस वन। और तो अगर यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं पहले T2 टर्म्स के लिए, दिस T2 के लिए, तो T2 मतलब होता है n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो रख देते हैं इसमें 14, ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू ए, ए इज अवर नॉट नोन सो लेट्स टेक इट वेरिएबल, प्लस 14 - 1 एंड वी नो इट, और डी, डी भी हमें पता नहीं है, सिर्फ एन पता है दैट इज 14, दैट्स इट। बिकॉज ये है 14th टर्म, इसलिए हमने एन की वैल्यू रखी, नहीं, 14 नहीं, ये है हमारा सेकेंड टर्म, सो एन विल बी 2, राइट, हियर एन विल बी 2, करेक्ट। सो नाउ दिस 14 विल बी इक्वल्स टू ए प्लस, और ये 2 - 1 हो जाएगा 1 × d, सो वी कैन राइट इट लास्ट लाइक दिस, 14 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। अब यही काम जो मैंने 2 के लिए किया है, वही मैं एन इज इक्वल्स टू 3 के लिए कर लूंगा। तो T3 आपके पास है 18, बिल्कुल इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, बिकॉज बिल्कुल आसान सा है। और T3 होगा 18, 18 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल ए प्लस एन, एन आपने रख दिया 2 और डी रखा है यहाँ पे ऐसे, सो 18 ये हो जाएगा बराबर ए प्लस 2 - 1 इज, नाउ एन इज 3, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस रॉन्ग, 2 एंड डी, 18 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो आई एम श्योर कि कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक इट, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के सबसे आसान तरीका है, उसके नीचे लिख लो, आसानी से माइनस हो जाएगा। तो 14 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, ठीक है, माइनस करना है, सबके साइन चेंज कर देते हैं लाइक दिस, राइट। 18 में से 14 गए, बच्चे आपके पास 4, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, 2d - d इज डी, सो डी कम्स एज 4, करेक्ट, डी 4 हो गया। यही डी उठा के मैं इसमें रख देता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4, राइट। यहाँ से आपके पास ए निकल के आ जाएगा 14 - 4 दैट इज 10,
आपको डी निकल आया और ए निकल आया। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए निकल आया आपका 10 एंड डी निकल आया 4। ठीक है, दो वैल्यू बताओ आप निकाल सकते हो आप 50 S51, कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार इसमें तो। कैसे S51, S51 मतलब कि N is 51, राइट? बिल्कुल 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 सही सोच रहे हो आप, दैट इज 51/2। और फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ, आपको याद नहीं होगा शायद, लेकिन अगर नहीं याद है आपको तो प्लीज़ याद कर लें फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं याद है आपको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम भी होगा ना तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ दूसरे की शक्ल देखते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे उसके अलावा। सो इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेड दैट कि आप फॉर्मूला याद कर लें, नहीं तो देख रहे होगे बगल वाले की शक्ल कि शायद ये बता दे या चीटिंग करा दे तो मैं कैलकुलेशन कर लूँ, राइट? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फॉर्मूला खुद से याद कर लें और दूसरे की चीटिंग कराएं, रादर देन कि खुद दूसरे की चीटिंग करें। ठीक है, वैसे चीटिंग करानी अच्छी बात नहीं होती। सो 2a, वी हैव कैलकुलेटेड एज 10 प्लस N is 51 -1 इंटू डी, डी वी हैव गॉट इट एज 4, राइट? इसको ऐसे ही रख देते हैं बिकॉज 51 में 2 डिवाइड हो नहीं पाएगा, सो दैट इज 51/2 एंड 2 × 10 is 20 प्लस 51 - 41 is 50 इंटू 4। अब ये तो पता ही होगा आपको कि प्लस पहले सॉल्व होगा या 50 × 4। कुछ मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा कर देते हैं, 20 + 50 पहले कर देते हैं यानी 70 कर देते हैं और फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बॉडमॉस रूल फॉलो करो उसमें, और सबसे पहले होगा इसमें मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद होगा एडिशन। ठीक है, सो 20 + 200 मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट देन एडिशन। ऐसा ना करना कि पहले 70 कर दिया इसको और 4 कर दिया। मैंने मुझे लगा, आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा कि यार ये पहले 70 होगा इंटू 4 होगा। अगर आपने नहीं सोचा है देन यू आर रियली स्मार्ट गाय। 51/2 220 दैट इज 51 × 110। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी द समेशन ऑफ 51 टर्म्स। आई होप यू गेट द आंसर। और आपको पता ही होगा कि मुझे आंसर लिखना बहुत अच्छा लगता है, सो आई ऑलवेज राइट द आंसर हियर। यू नो यू गिव द फीलिंग के बस अब कुछ जन्नत मिल गई हमें, राइट? ओके, फील द सेम एंड ऑलवेज राइट द आंसर, इट फील्स गुड एक्चुअली, दैट्स आई एम टेलिंग यू। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज सेइंग दैट शो दैट A1, A2, AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। सो ये दो कंडीशन गिवन है AN की, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, और हमें प्रूव करना है कि दैट शो दैट दीज आर द AP। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट के लिए। फर्स्ट है हमारी AN इज इक्वल्स टू 3 + 4N, राइट? तो AN का मतलब क्या है कि अब मैं इसमें N की वैल्यू 0 तो नहीं रखते हैं, 1 रखते हैं बिकॉज A1 से स्टार्ट हो रहा है। तो n की वैल्यू मैं क्या करूंगा, 1 2 3 पुट करता जाऊंगा। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट करता जाऊंगा और an निकाल लूंगा कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, राइट? लेट्स डू दैट वन। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3 + 4 और n की जगह रख दिया मैंने 1, दिया जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, यानी फर्स्ट टर्म जो आ गया A1 आ गया आपका दैट केम एज 7। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1 रखी तो n आप यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, राइट? AN था और n आपने रख दिया 1, सो दैट केम एज 1। वहीं पे आपने 2 रख दिया, A2, A2 कैलकुलेट करते हैं तो कैसा हो जाएगा, 3 + 4 × 2 मतलब 3 + 8 दैट इज 11, करेक्ट? ऐसे 3 रख देंगे सो दिस विल बी 3 + 4 × 3 दैट इज 3 + 12 दैट इज 15। अब तो आप समझ ही गए होंगे ऐसी सीरीज बन रही है। सो मैं अब इसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ, उसको लिख देता हूँ 3 + 4 = 16 दैट इज कमिंग एज 19। नेक्स्ट वन, अब तो सीरीज दिख रही होगी आपको, 19 उसके बाद आ जाएगा 23, 27, राइट? सो वी गॉट द सीरीज लाइक दिस वन।
correct? We got the series like this. This is our series what we are continuing this one. So, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये समझ में आ गया, इट इज इंक्रीमेंटिंग लाइक दिस, राइट? सो दिस इज एन एपी. कैसे एपी है? एपी पता करने का क्या तरीका था? इफ यू गो टू माई फर्स्ट क्लास, द शॉर्टेस्ट क्लास आई रिकॉर्डेड टिल नाउ. सो दैट्स माई किड एक्चुअली. सो अगर हम डिफरेंस निकाले इनका, so that is coming as 4, 11 minus 15 minus 4, that is also 4. इन दोनों का डिफरेंस निकाले, दैट ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा. तो ये सारे डिफरेंस जो है वो 4 4 4 ही आ रहे हैं. सो इट मीन्स दैट दैट इज एन एपी. तो जब भी जो कॉमन टर्म यानी कि डिफरेंस जो निकालते हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म का, वो अगर सेम रहता है किसी भी सिक्वेंस में, तो वो जो सिक्वेंस होता है वो एपी होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. तो आप इस सिक्वेंस में देखोगे 7, 11, 15, 19, तो ये सारे के सारे एपी में आ रहे, दैट इज एन एपी. सिमिलरली यही काम हम इसमें करेंगे दूसरे वाले टर्म उसके लिए, सीरीज के लिए. तो अगर आप इसको रख लो A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, ठीक है? तो पहली जो हो जाएगी वैल्यू, यानी कि 9 माइनस 5 एन है, करेक्ट? 9 माइनस 5 एन, एन की वैल्यू 1 पुट करें इसमें, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, एन माइनस 5 कितना होगा? 4. आप एन इज इक्वल्स टू 2 पुट करें, दिस इज फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, दिस इज फॉर एन इज इक्वल्स टू 2. वैसे दिख रहा है आपको ये 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ 3 4. सो लाइक दैट वी आर हैविंग. सो नाउ वी जस्ट पुट दिस एन इज इक्वल्स टू 2 हियर. एन इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, करेक्ट? सो दैट विल बी 9 माइनस 10, दैट इज माइनस 1. ए इज इक्वल्स टू 3 अगर पुट, सॉरी एन इज इक्वल्स टू 3 अगर पुट कर दें इसमें तो क्या होगा? 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि 9 माइनस 16. How much it is? Minus 7. यही आप अगर n equals to 4 put कर दें तो ये हो जाएगा 9 minus 20. Exactly, right? ये कितना जाएगा? Minus 11. सही है? अगर ये 5 कर दें तो क्या हो जाएगा? 9 minus 25. That is how much? Minus 16. बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं. नेक्स्ट क्या जाएगा? 9 माइनस 30, दैट इज हाउ मच? माइनस 21. एग्जैक्टली 6, तो ये हो जाएगा 6, 5 जा 30, दैट इज हियर. ए 7 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 35, सो दैट विल बी कमिंग एज हाउ मच? माइनस 26, राइट? एनी डाउट इन दिस वन? नहीं है? वही मैं सोच रहा था कि कहीं, बिकॉज ये तो एपी बन रही है, राइट? वी आर हैविंग कॉमन डिफरेंस माइनस 5, माइनस 5, माइनस 5, बट इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा था. क्यों गड़बड़ आ रहा है? देखो यहाँ पे 5 3 से कितना होगा? 15, राइट? ना कि 16. सो दिस विल बी माइनस 6, करेक्ट? दिस विल बी माइनस 6. नाउ यू जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो माइनस 6 और माइनस 1 का, माइनस 6 माइनस 1 करोगे तो दैट इज कमिंग एज माइनस 5. इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वो भी आएगा आपके पास माइनस 5. इसका डिफरेंस निकालोगे इन दोनों का, दैट इज ऑल्सो कमिंग एज माइनस 5. इन दोनों का डिफरेंस निकालो, सो माइनस 5, अगेन माइनस 5. सो दीज बोथ द सिक्वेंस आर इन द एपी. ये भी आपका एपी में है, ये भी एपी में है. नेक्स्ट थिंग दे आर आस्किंग, पहली चीज तो ये पता करनी थी कि दे आर, पता क्या करनी थी? पता तो है ही, अगर शो करना था कि दे आर इन एपी, ठीक है? अगली चीज पता करनी है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो पहले मैं इस रेड वाले को ग्रीन में कर देता हूँ और ग्रीन वाले को रेड में कर दूंगा, तो डिफरेंस वहां में आ जाएगा. फॉर्मूला क्या होता है एस एन का? हाँ हाँ, सोचो सोचो क्या होता है. अब तो आ गया होगा दिमाग में. चलो अच्छा, पन्ना पलट के देख लो, पीछे पन्ना पलटो, देख लिया? चलो अब मेरे साथ लिख दो. एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट? आई होप यही निकाला होगा आपने, गड़बड़ नहीं करा होगा. फिर से बता दूंगा, अगर नहीं याद है आपको तो प्लीज याद कर लें.
एन एन यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज फॉर द फर्स्ट 15 टर्म्स. सो वी राइट इट एज लाइक दिस, 15 बाई 2, 2a. फर्स्ट टर्म इस वाली सीक्वेंस में कितना है? 7 ईयर, राइट? सो 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी. 15 माइनस 1 मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, 14 इंटू डी. डी यहाँ पे कितना है? 4. बहुत सारे निकाले मैंने, ये देख रहा हूँ, सब 4 4 निकाले, दैट इज 4. सो मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर दूंगा. सो दैट इज 14 प्लस 56 विच कम्स एज 70 बाई 2, सो दैट इज कमिंग एट 15 इंटू 35. अब हमेशा क्या होता है कि जब मैं जल्दी करता हूँ तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो अगर कुछ हो गई हो तो प्लीज़ टेक केयर. 7 45 और 7 हो गए 52, दैट्स कम्स एज 525. ठीक है, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टर्म. लेट मी चेंज द कलर एंड सॉल्व फॉर द सेकेंड पार्ट. फॉर दिस वन जो फर्स्ट टर्म ए है, दैट इज अवर 4 हियर, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, एंड द डी इज -5. एंड इट्स गिवेन दैट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द 15, करेक्ट? सो एन इज 15, वी विल यूज द सेम फॉर्मूला हियर नाउ. सो एस 15 विल बी इज इक्वल्स टू वट? 15 बाई 2, 2 ए इज हाउ मच हियर? हियर इज 4 ऑलरेडी रिटन हियर, सो दैट इज 4 प्लस एन माइनस वन, अगेन राइटिंग आई एम डायरेक्टली हियर, एंड देन डी, डी इज -5, राइट? सो लेट सॉल्व दिस वन, सो दैट इज कम, ओह आई थिंक माई वीडियो वैल्यू कमिंग हियर, राइट? ओके लेट मी राइट इट हियर, समटाइम्स आई फॉरगेट दैट माई वीडियो इज कमिंग हियर. आई थिंक ओके, समटाइम्स यू नो सीइंग द फेस इज ऑलवेज गुड. पता तो चल रहा है कि सही से तो नहीं, सर कहीं और देख रहे हो तो पता चल जाता है कि अच्छा नहीं मेरे पे ही फोकस कर रहे हैं. इसलिए मैं वीडियो अपना चालू रखता हूँ, नहीं तो मैं बंद कर देता. और आपको मन लगा रहता है, देखते रहते हैं शक्ल मेरी, है वैसे बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, काम चला हुआ है. एस 15 ये हो जाएगा आपके पास 15 बाई 2 और 4, ये हो जाएगा आपके पास -75. ठीक है, सो दिस विल बी कमिंग एस हाउ मच? -71. कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ या दिस इज कमिंग एस 14, सो ये आ जाएगा -70. देखा मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं तुरंत जान जाता हूँ कि कुछ गड़बड़ है. खुशबू से आ जाती है मुझे कि नहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं पूड़िया बन रही होती तो पता चल जाता है कि यार हाँ वाह पूड़िया बन रही है. पूड़िया नहीं पता चलता, अच्छा पनीर पता चलता था, पनीर बन रहा हो तो. अरे क्या अगर चिकन खाता नहीं मैं तो इसलिए चिकन का आइडिया नहीं होगा लोगों ने, लेकिन चिकन भी पता चल जाता है. बट आई एम वेजिटेरियन गाय, लेकिन पड़ोसी का चिकन बनता है ना तो मैं पहचान जाता हूँ कि ये चिकन है. हल तो खाता नहीं हूँ बट फिर खुशबू से जान जाता है यार चिकन बन रहा है इसके यहाँ. खैर 4 माइनस 70 दैट इज 66, करेक्ट? सो दैट इज कमिंग एज -15 इंटू 33. अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ एनी डाउट्स यू नो वॉट टू डू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, एंड इट इज लिटिल ट्रिकी बट नॉट टू मच एज वेल. वैसे क्लास 10th के जो क्वेश्चन है ना बहुत मुश्किल से नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल जो आपको फील आएगा ना वो तो आप जब 12th में पहुंचोगे, 11th में, सॉरी 11th में पहले पहुंचोगे आप, बिकॉज तो 11th में पहुंचोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. ये 10th 10th तो बस सेम ही है. सर यहाँ सवाल हो नहीं रहे, आप कह रहे हो कुछ आसान ही नहीं है, वो एक्चुअली लगता ही है. जब लोग फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो मुश्किल लगता है, मैं भी 15-20 बार कर चुका हूँ ये सवाल, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यार क्या ही है. और हाँ जब मैं पढ़ता था तब भी 2-4 बार कर चुका हूँ, तो 20-25 बार हो गया होगा अब तक. कोई बात नहीं. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 4n-n² राइट, यानी कि Sn इज गिवन एज 4n-n²
अच्छा ये मतलब क्या है दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एन स्क्वायर फोर एन एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है सर? ऐसा तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी कोई सीरीज बनती है, जैसे एक एकदम आसान सी सीरीज लेता हूँ मैं, 3 6 9 उसके बाद क्या था यार, 12 15 कंटिन्यूस लाइक। इन्होंने क्या करा है, इसको एक जनरलाइज टर्म में लिखा है। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है, एन पहले आप एन निकालते हो, फिर उसका सिग्मा निकाल लेते हो एन का, तो वो आपको 11th में मिलेगा कि कैसे एरिथमेटिक सीरीज को सम कैसे करते हैं और उनका फिर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो बट अभी मुझे उतनी डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे इससे आसानी क्या हो जाती है, जैसे हम लोग इस सीरीज के लिए ये निकला हुआ है एस एन, ठीक है, मान लेते हैं इस सीरीज के लिए निकला है, तो क्या करोगे आप, एन इज इक्वल टू 2 रख दोगे इसमें। एन इज इक्वल टू 2 जब रखोगे तो क्या होगा कि ये इन दोनों को जोड़ के बता देगा कि इन दोनों का कितना आंसर रिजल्ट आ रहा है, 6 और 3 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने एन इज इक्वल टू 4 रखा, तो एन इज इक्वल टू 4 रखोगे तो इस पे कुछ वैल्यू आएगी, एस 4 रखोगे तो एन 4 रखा आपने, कुछ कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब इसके लिए नहीं कर रहा मैं, कुछ वैल्यू निकल के आएगी इसके लिए, राइट, कुछ तो आएगा। सॉल्व करोगे आप 4 इंटू 4 एंड -4 स्क्वायर समथिंग, इट विल बी कमिंग लाइक देर विल कमिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ 4 5 8 12 25 23 25 35 कुछ आ रहा होगा, राइट। तो वो जो वैल्यू होगी दैट विल बी सम ऑफ इनका सबका सम हो जाएगा, कितने टर्म्स का, 4 टर्म्स का। जो भी सीरीज होगी जिसके लिए ये वैल्यू है, उस सीरीज के लिए 4 टर्म्स का सम होगा। वैसे ही अगर एन इज इक्वल टू आप 10 रख दो तो क्या होगा कि ये 10 टर्म्स का सम दे देगा आपको, 10 टर्म्स का। तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आपको पता करना है कितने टर्म्स का निकालना है, तो डायरेक्टली आप उसमें रख निकाल के रख सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि आपको हर बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करो, हर बार चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सीधे एन की वैल्यू रखो आंसर आ गया, एन की वैल्यू रखो आंसर आ गया। तो ये इसलिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो वही अपने जो हमारे राइटर साहब हैं बुक के, उन्होंने आपको आसानी से दे दिया है कि ऐसे करके आप इसको कर लो, ठीक है, तो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। समझ में तो आ गया कि ये क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेट्स डू इट। तो पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली चीज तो फर्स्ट टर्म का है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और उन्होंने कह भी दिया कि दैट इज एस वन। अगर नहीं भी तो अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि जैसे ही सीरीज लिखी थी, राइट, ये 3 6 9 और 12 सीरीज लिखी थी आपके पास, और मैं कह रहा था कि अगर एन की वैल्यू आप 2 रख रहे थे, 2 मतलब कि समेशन ऑफ 2 टर्म्स, राइट, 2 टर्म समेशन दे रहा था। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, तो अगर आप एन की वैल्यू 1 रख दो तो क्या होगा, तो ये समेशन ऑफ 1 टर्म देगा। समेशन ऑफ 1 टर्म मतलब एक ही टर्म है, तो वही टर्म ही आ जाएगा, समेशन और कुछ ऐड करने के लिए तो उसके पास है ही नहीं, तो जो टर्म होगा वही का वही आ जाएगा। तो अब इसमें हम वही करेंगे, अगर इसका फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम एन की वैल्यू रख देंगे 1, यानी कि एस वन। वैसे जो क्वेश्चन राइटर है उसने लिख दिया है कि दैट इज एस वन, तो मैं निकाल लूंगा इसके लिए एस वन, यानी कि एन की वैल्यू मैं रख दूंगा 1, रख देते हैं इसमें, दैट इज 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3, ठीक, वेरी गुड। इसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो जैसे हमने 1 एन की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 का सम आ गया, अभी एन इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, तो रख देते हैं इसको, तो वो निकाल लेंगे एस टू, एस टू विल कमिंग एस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, कोई डाउट है इसमें? तो बोला था ऐसा होना ही है, तो इसमें तो कुछ मुश्किल काम है ही नहीं। बोला सर ये तो मैं पहले ही कर लेता, कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, और कर लिया तो वेरी स्मार्टेस्ट गाय। सो ये जो सेकेंड टर्म आया वो आया आपके पास 4, ठीक है, पहला टर्म आया 3, दूसरा टर्म आया आपके पास 4, सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, 4 2 8 2 स्क्वायर, ठीक है 4। अब कह रहे हैं व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे आप, सेकेंड फर्स्ट पता हो गया एक तरह से, ये मान लो जैसे ये आपको गिवन है कि दिस इज 3, ठीक है, और दोनों को जोड़ के मान लेते हैं कि चलो पहला ये 3 है, ठीक है,
इसके बाद कोई टर्म लिखा है, ठीक है, दोनों के जोड़ के जो निकलेगा वो निकल रहा है 4, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अगर 3 यहाँ पे लिखा है दोनों को जोड़ के ये कितना आना है 4, तो बोला यहाँ पे तो एक ही होगा, एग्जैक्टली द सेकेंड टर्म विल बी द 1। कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकाल सकते हैं हम ऐसे, ए इज इक्वल्स टू, यानी कि ए टू विल बी इक्वल्स टू एस टू माइनस एस वन। ये मैंने आपको याद हो तो पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है ए टू ए सॉरी ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। और मैंने इसमें काफ़ी टाइम दिया था, 5 से 10 मिनट इसमें मैंने स्पेंड किए थे, तो अगर आपको याद हो तो आप ठीक है, नहीं याद है तो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल व्हाट वी आर आई एम शोइंग विद द न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ समझा रहा हूँ कि ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो आप इसको निकालोगे एस टू निकाल लिया हमने 4, एस वन इज 3, सो ए टू कम्स एस 1, वेरी नाइस। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द टेंथ एंड nth टर्म। तो पहले हम 3 के लिए बात करेंगे, पहले हम थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द थर्ड टर्म फर्स्ट। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें जरूरत होगी s3 की, तो पहले हम निकालते हैं s3, ठीक है, s3 कितना होगा, s3 रख देते हैं इसी में, सो दैट विल बी 4 3 12 माइनस 9, राइट, सो दैट इज कमिंग एज 3, करेक्ट। कितना आ गया 3, तो सर यार एक ऐसा निकल रहा है, 3 निकला फिर 4 निकला 3 निकला, भाई ये समेशन निकला है, सम टर्म नहीं निकला है, ये थर्ड टर्म तो निकला था, ये भी टर्म निकला था, समेशन निकला था, जो हमारा, चलो इधर मैं किनारे लिख देता हूँ, जो हमारी सीरीज निकल रही है, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, ऊपर हमारी सीरीज कैसे निकल रही है, जो पहला टर्म निकला था वो निकला था 3, उसके बाद दूसरा टर्म जो निकला था दैट केम एस 1, नेक्स्ट टर्म में निकालना है, तो अब s3 निकालना है आपको, तो s3 का फॉर्मूला ऐसे ही रख देंगे, इसमें n इक्वल्स टू 3 रख दो, s3 नहीं निकालना हमें, a3 निकालना है, तो a3 चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो a3 कैसे हो जाएगा, ए यार s3 माइनस s2, 2 मतलब 3 माइनस 1, यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 3 माइनस 1, तो दैट इज कमिंग एज s2। s3 कितना था अभी निकाला हमने, यहाँ पे s3 निकाला है हमने 3 ईयर, सो दैट इज 3 माइनस s2, s2 मतलब पीछे वाला समेशन जो, यानी कि दो टर्म का समेशन, दो टर्म का समेशन हम निकाला था ये, यहाँ पे दैट वाज कमिंग एज 4, वो 4 निकल के आ रहा था, तो अब हम ये जो वैल्यू है 4 है वो यहाँ पे रख देते हैं, सो दैट इज कमिंग एज 3 माइनस 4, ये निकल के आ गया पास माइनस 1, ठीक। तो आपका जो थर्ड टर्म आ गया दैट केम एज माइनस 1, आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे कैसे सीरीज जा रही है, एक माइनस टू होती चली जा रही है, 3 माइनस 2 1, 1 मैं फिर से माइनस 2 करा तो माइनस 1 आ गया, फिर भी आप श्योर नहीं हो तो आप s4 निकाल सकते हो, पहले s4 इससे निकाल दो, तो दैट इज यानी कि इसमें sn में आप 4 रख दोगे इस वाले इक्वेशन में, सो दैट इज कमिंग एज 4, 4 जा 16 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 16 इज 0, ठीक है। और अगर आपको a4 निकालना है यानी कि फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म विल बी इक्वल्स टू s4 माइनस s3, ठीक है, तो s4 आपने निकाल लिया है अभी 0, और s3 आपने निकाला था पहले हियर यहाँ पे, दैट वाज कमिंग एज माइनस 1, सो माइनस, और s3 सॉरी s3 इज हियर, दिस दिस इज s3, ठीक है, सो s3 इज -3, सो दिस, अरे यार यहाँ पे तो आपको वीडियो दिख नहीं रहा होगा, सॉरी गाइस, सो इसको हमने कर दिया s4 माइनस s3, s4 वाज वी जस्ट कैलकुलेट हियर, ये तो दिख रहा होगा शायद, ये भी नहीं दिख रहा है, चलो आप s4 ऐसे करके निकालोगे तो s4 आ जाएगा 0 और s3 हो जाएगा 3, जो हमने यहाँ पे निकाला है ये यहाँ पे, राइट, दिस इज, सो दैट इज कमिंग एज -3, सो दैट इज अवर a4, हमने फोर्थ टर्म निकाल लिया वो आ गया -3। अब तो एकदम क्लियर हो गया कि आपकी जो सीरीज बन रही है कैसे बन रही है, ठीक है, तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस जगह पे,
तो सेकेंड सब कुछ निकाल लिया हमने। सिमिलरली थर्ड टर्म भी निकालना था, थर्ड टर्म हमने निकाल लिया, थर्ड टर्म केम एज दिस माइनस वन। नाउ द टेंथ एंड द एनथ टर्म, अब हमें निकालना है ए टेन। ए टेन निकालने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फॉर्मूला लगाओ टी टेन से। टी टेन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, ठीक है। तो इसमें ए हो जाएगा आपका थ्री हियर दिस वन फर्स्ट टर्म सीरीज का दैट इज थ्री, और एन यहाँ पे लिखा हुआ है टेंथ टर्म निकालना है, तो टेन माइनस वन इंटू डी, डी इज अवर माइनस टू। सो थ्री प्लस नाइन माइनस करेंगे तो दैट इज कमिंग एज माइनस 18, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। दैट इज माइनस 15। सो टी टेन जो होगा वो होगा आपका माइनस 15, ये निकाल लिया। और अब निकालना है हमें टी एन। सो टी एन निकालने के लिए क्या करोगे आप? टी एन निकालने का तरीका होता है सिर्फ ए और डी की वैल्यू रखनी है और सिर्फ इसकी एन की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? ए और डी की वैल्यू रखोगे आप, इसको लिखो पहले यहाँ पे टी एन, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए की वैल्यू आपको पता है, तो ए की वैल्यू आप रख दोगे थ्री और एन माइनस वन एस इट इज, बिकॉज एन आपको नहीं पता है, एनएथ के लिए निकाल रहे हैं, राइट। हम वेरिएबल निकाल रहे हैं, एनएथ टर्म निकाल रहे हैं, मतलब एन आपको नहीं पता है, एन को एस इट इज रखना है। जो जो पता है वो चीज रख दोगे, ए पता है आपको ए रख दोगे, डी पता है डी रख दोगे, एन को एस इट इज रखना है तभी आपको एनएथ टर्म निकल के आएगा। एनएथ टर्म मतलब कि ऐसे निकालना है, जैसे कि ये यहाँ पे ये एस एन दिया हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ एन, यानी एन की वैल्यू रखो और समेशन निकलता चला जाए। वैसे ही टी एन निकालेंगे, मतलब एन की वैल्यू पुट करो और टी वन टी टू टी थ्री टी फोर निकलते हुए चले जाए। देखो अभी निकालता हूँ, तो अभी हम वेरीफाई भी कर लेंगे जो ऊपर वैल्यूज आई हैं, ठीक है। सो थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू, यानी कि थ्री और ये हो जाएगा माइनस टू, थ्री प्लस यहाँ पे राइट, थ्री माइनस टू एन प्लस टू, सो दैट इज कमिंग एज, यहाँ पे माइनस आएगा, सो दैट इज कमिंग एज फाइव माइनस टू एन। कितना आंसर आ गया? इसको कलर में और ही लिख देता हूँ, खूब हरा और लाल हो गया है यार, कुछ और कलर दे दो मेरे को, ब्लू कलर को, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे टी एन निकल के आगा आपके पास फाइव माइनस टू एन। अब अगर आपको भरोसा है इस पे तो ठीक है, भरोसा नहीं है तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, और क्रॉस वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि साला निकल कैसे रहा है, या आपने निकाला है वो सही भी निकाला है नहीं निकाला है। तो इसमें आप वन टू थ्री पुट करके देखो, आप इसमें वन पुट करो कितना आएगा, फाइव माइनस टू दैट इज थ्री, यानी कि पहला टर्म आ गया यहाँ पे राइट। और इसी में अगर आप फाइव माइनस एन की वैल्यू टू पुट कर दो तो आ जाएगा टू टू ज़ा फोर, यानी फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर इज वन। टी थ्री रखोगे तो टू थ्री ज़ा सिक्स, यानी कि फाइव माइनस सिक्स, फाइव माइनस सिक्स इज माइनस वन, और यहाँ पे ये आपको सीरीज मिलती चली जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो हमने निकाला है वो एकदम सही है। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स, इफ एनी डाउट्स यू नो दैट व्हाट टू डू, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एनसीईआरटी। दे आर सेइंग दैट इन ए स्कूल स्टूडेंट्स आर थॉट टू प्लांटिंग अ ट्री, तो आई होप यू माइट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द क्वेश्चन, इफ नॉट गॉन थ्रू द क्वेश्चन देन रीड इट आउट, रीड इट। और मैंने बहुत बार करा हुआ है तो मेरे को पता है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, सो लेट्स गो फर्दर। एक्चुअली ये चलो बता देता हूँ आपको समरी। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स हैं, एक जो स्कूल है उसमें एक से लेके कक्षा 12 तक का क्लासेस हैं, ठीक है। और जो हर क्लास है उसके तीन सेक्शन है, ठीक है, और हर सेक्शन एक एक प्लांट, चलो पढ़ के समझता हूँ आपको। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट विल बी हैविंग द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है। उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स करेंगे जितने कक्षा में पढ़ रहे हैं, और लेकिन अगर एक सेक्शन है हर सेक्शन एक करेगा, ठीक है। कि जैसे कक्षा एक में जो क्लास है वो एक पौधा लगाएगी, ठीक है, कक्षा दो में जो क्लास है वो दो पौधे लगाएंगे,
जो कक्षा 3 के लोग बच्चे हैं वो 3 पौधे लगाएंगे, जो कक्षा 4 में जो बच्चे हैं वो 4 पौधे लगाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। और ये जो काम होगा, ये काम होगा हर सेक्शन के, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि कक्षा 3 के 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है मतलब कि पहला सेक्शन 2 पौधे लगाएगा और दूसरा सेक्शन भी 2 पौधे लगाएगा। दैट्स माय किड एक्चुअली, ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द टाइम डूइंग इट, सो ओके नो प्रॉब्लम। सो मान लेते हैं कि 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन है मतलब कि ये 4 पौधे लग जाएंगे इसमें, लेकिन इन्होंने कहा है कि दैट देर आर 3 सेक्शन हियर इन ईच क्लास, ठीक है, तो 3 सेक्शन है ईच क्लास के, तो मतलब कि कक्षा 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल कितने पौधे लगाएंगे, 3 पौधे कक्षा 1 के, तीनों सेक्शन कक्षा 1 के, तीनों सेक्शन 3 पौधे, कक्षा 2 के तीनों सेक्शन 3 2 6, 6 प्लांट्स, क्लास 3 3/3 सेक्शन, तो ये लगा देंगे 9 प्लांट्स, और ये 12, बिकॉज इनके सब हर क्लास के जो 3 सेक्शन है, तो ऐसा करते हुए चले जाएंगे एंड दे विल प्लांटिंग लाइक दिस। लास्ट 2 सेक्शन है क्लास 12th है, क्लास 12th के भी 3 सेक्शन है, तो वो प्लांट करेंगे कितने, 12 3 36, तो इतने टोटल प्लांट लगेंगे स्कूल में, ठीक है, 3 6 9 12 16। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितने नाम, ये तो सीरीज हो, कितने टर्म्स हैं, एक तरह से इसको आप सीरीज ट्रीट करोगे दैट दिस इज एन एरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, एपी हो गई, 3 + 6 + 9 + 12, कितनी क्लासेस हैं, 12, यानी कि नंबर ऑफ एन हो गया आपका 12, ए कितना हो गया 3, डी कितना हो गया 6 - 3 दैट इज 3। ज्यादा बोलने की वजह से खांसी आती है मुझे, पानी, चलो पानी बाद में पी लूंगा, ठीक है, डी लिखा 6 - 3 दैट इज 3। फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल कितने पौधे निकालने हैं, यही निकालने हैं, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a + n - 1 इन टू डी। एन इज 12 बाई 2, 2 × 3 + n, एन इज 12 - 1 इन टू डी, डी इज 3, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर, 6 6 + 11 इंटू 30, सॉरी 3, सो दैट इज कमिंग एज 6 × 3 9, टोटल विल बी 234 प्लांट्स, इतने टोटल प्लांट्स लगेंगे बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द कंप्लीट स्कूल। दैट वॉज क्वाइट ईजी, बट थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप कर लोगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, साला हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ की तो इंग्लिश अच्छी है बट कुछ की इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है, दे आर नॉट सो मच गुड बैकग्राउंड कि वो इंग्लिश अच्छी अच्छी समझ पाए, तो अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश में ऐसी ट्विस्ट हो जाता है तो क्वेश्चन समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। डोंट वरीज गाइज, आई एम ऑल्सो फ्रॉम द यूपी बोर्ड बैकग्राउंड, जस्ट टीचिंग यू इन इंग्लिश, और बाई चांस इंप्रूवमेंट करते करते मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, बट शुरू से इतनी अच्छी थी नहीं। सो इफ योर इंग्लिश इज नॉट टू गुड, मतलब आपके अगर हिंदी बहुत अच्छी नहीं, सॉरी इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी नहीं है, तो ज़्यादा चिंता मत करो, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी, जस्ट डोंट वरी टू मच। हाँ, लेकिन इतनी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन आप पढ़ के सॉल्व कर पाओगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए तो फिर सॉल्व कैसे करोगे। हाँ, दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन एक्चुअली, तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो पोटैटो रेस होने वाली है, ये लड़की है भाग रही है, वैसे तो लड़कियां भागती ज्यादा हैं, सॉरी यार कोई लड़की सुन रही होगी तो गुस्सा हो जाएगी, है नहीं, सॉरी गडीज गाइज, गर्ल्स आर वेरी गुड, सो बट अब चूंकि बनी हुई इसलिए बता दिया मैंने आपको। तो दिस गर्ल इज जस्ट रनिंग, जो गेम है वो कुछ ऐसा है कि पोटैटोज रखी हुई है यहाँ पे, बहुत सारी आलू रखी हुई है ऐसे सिक्वेंस में, राइट, करना क्या है, भाग के जाना, यहाँ से रेस स्टार्ट करेगा, एक बंदा भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है, पहले जाएगा यहाँ से, एक आलू उठाएगा यहाँ से और वापस इसमें डाल के आएगा, ठीक है, इसके बाद फिर जाएगा भाग के, फिर दूसरे आलू उठाएगा यहाँ पे,
और फिर ये वापस यहाँ पे रख के आएगा, ठीक। फिर रखने के बाद फिर जाएगा, फिर एक आलू उठाएगा और ये फिर वापस रख के आएगा। पता हमें ये करना है कि दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। आलू कितनी है वैसे पता ही होना चाहिए। इन द पोटैटोज बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर। ओके दैट इज फाइन। देर आर 10 पोटैटोज, 10 आलू हैं आपके पास, ठीक है। तो पहली जो रन होगी, पहली जो मतलब कि बार दौड़ के जाए, पहली जो आलू है वो कितनी कितनी उसके लिए कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी आपको? 5 मीटर जाओगे आप यहाँ से, राइट। 5 मीटर गए और 5 मीटर आप वापस आए, राइट। यही तो 5 मीटर गए और 5 मीटर आप वापस आए, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस कवर होगी दैट इज 10 मीटर, ठीक है। दूसरी जो डिस्टेंस होगी वो कैसे होगी? आप फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बच्चे जो भी बच्ची होगी वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ से ऐसे कितनी ट्रेवल करेगी नाउ दिस टाइम? 5 प्लस 3 प्लस 3 ऐड हो गया, यानी कि टोटल इट्स विल कवर 5 प्लस 3 दैट इज 8। सी विल गो एट एंड कम बैक 8, गो 8 एंड कम बैक 8, यानी टोटल इट इज कवर्ड इज 16, ठीक है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन होगा कि फिर से आगे जाएंगे, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा। चलो यहां से कर लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हियर बकेट, गो अप टू थर्ड पोटैटो, 5 कवर गया, फिर 3 8, फिर 8 3 11, यानी टोटल द डिस्टेंस कवर्ड इज 11। 11 जाना है आपको, ऐसे जाना है आपको 11, एंड यू हैव टू कम बैक 11, यानी टोटल 22। सो नेक्स्ट टर्म विल बी 22। अब आपको शायद समझ में तो आ ही गया होगा कि नेक्स्ट विल बी व्हाट, बिकॉज हर 3 3 मीटर के डिफरेंस पे है। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार और कर सकते हो। नेक्स्ट वन विल बी 11, यहाँ पे गए थे, अब इसके बाद वाली होगी 14 मीटर, तो 14 जाना है और 14 आना है। सो नेक्स्ट विल बी, कुछ गड़बड़ कर दिया, ओह दिस इज 22। 14 जाना है, 14 आना है, दैट इज 28। लाइक दिस इट विल बी द सीरीज। अब आपको सीरीज पता चल गई, 10 16 22 एंड 28, और आपको निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहली बार में ये 10 कवर कर रही है, दूसरे बार में 16, तीसरी बार में 22, तीसरी चौथी बार में 28, कितनी बार कितनी आलू उठानी है इसको? 10, यानी कि n विल बी इक्वल्स टू 10। तो टोटल डिस्टेंस कवर करनी पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा, उसको इसके साथ, उसको इसके साथ, उसको इसके साथ। टोटल जो डिस्टेंस है हर आलू के लिए, वो सारी की सारी डिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूं, पहली आलू को पिक करने में कितना दौड़े वो, प्लस दूसरी आलू को पिक करने में कितना दौड़े वो, तीसरी आलू कितना पिक करने में दौड़े वो, सारी आलू को पिक करने में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतनी ही डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस वो कंप्यूटर रन करेगा। तो लेट्स सॉल्व इट। द इक्वेशन इज 10 16 22 28, दैट्स इट। And we have got it as n is equals to 10 because we have 10 potatoes here. So we'll use the formula as n is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, n is 10 here by 2 2a, a is 10 again here, this one is 10, so 2 into 10 that is 20 plus n we are having 10 minus 1 into d we are having 22 minus 16 that is 6. अच्छा आसान रहता है, आप लिख लिया करो पहले, ए इज इक्वल्स टू 10, डी इज इक्वल्स टू 6, अच्छा रहता है, दिस इज गुड प्रैक्टिस। कभी कभी मैं स्किप कर देता हूँ जल्दीबाजी में, बट डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। 9 into 6। सर इसमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, कौन सा एडिशन बाद में होगा? है एडिशन पहले होगा मल्टीप्लिकेशन, जल्दी बताओ। हाँ भाई मल्टीप्लिकेशन ही पहले होगा, ऑलवेज फॉलो बॉडमॉस, ठीक है। 5 into 74, सो दैट इज कमिंग एज 370 meters। एंड डोंट फॉरगेट द वेटिंग यूनिट्स, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन फिजिक्स, लेकिन अभी तो आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसे फिजिक्स भी अच्छा पढ़ाता हूँ मैं, तो अगर मन हो आपका तो आप पढ़ लेना, ऐसे मैं हो सकता है जरूरत पढ़ाई दूँ आपको, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल मैथ्स फोकस करते हैं और ये आपका आंसर आपका आता है 370 मीटर्स।
So finally, this girl has to, or this competitor has to, run total 370 meters in order to collect all the potatoes. Okay, guys. So this is it from me on arithmetic progression. Hope you enjoyed it well. आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे, और अगर नहीं करे हैं तो प्लीज स्टार्ट करें फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो और सारे के सारे करते चले जाएं। उससे क्या होगा, आपका टाइम यूटिलाइज होगा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप मान लो तो पहले हो सकता है आपको स्कूल में, ऐसे स्कूल तो बंद ही है, सारे स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन अगर स्कूल से पहले कर लेते हो तो आपको स्कूल बहुत अच्छी समझ में आता है। अगर आप स्कूल में अच्छे से कर चुके होंगे तो मेरी वीडियोज बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बिकॉज जब आप दोबारा पढ़ते हो ना चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। खैर, गुड लक फॉर यू। और अभी कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो आई विल रिकमेंड टू यूज दिस टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग। अच्छी प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे से इस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो। नहीं करोगे तो आपको लगेगा तो कि आपको आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब एक तरह से ऐसी ही हो गई कि आपने हथियार आपके पास सारे हैं और आपने हथियार ना शार्प कर देना, पहने करते हैं, पहने नहीं करें आपने, तो जब आप एग्जाम में पहुंचते हो तो आपके हथियार अच्छे से चलते नहीं है। सो यू शुड प्रैक्टिस वेल, डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि आप रियली कर पाओगे। आपने सिर्फ पढ़ लिया कि अच्छा ये फॉर्मूला है और आप मैं कर लूंगा, तो नहीं कर पाओगे आप। आई गारंटी दैट यू कैन नॉट डू दैट वन। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस करो। सिर्फ एनसीईआरटी वैसे सफिशियंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन कर लो। ठीक है, बिकॉज आते हैं बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बाउंड है कि उनको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही देने हैं। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज गुड, एंड फॉर यू एज वेल, बिकॉज आपको आगे भी क्लास पढ़ाई करनी है, यहीं से आपको खत्म नहीं हो रही सारी चीजें। ओके गाइज, सो एंजॉय योर हॉलीडेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। थैंक यू गाइज।